अभी हम आ गए हैं जयपुर के सबसे फेमस जगह पे जिसका नाम है हवा महल। और हवा महल इसको क्यों बोलते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। 1798 में राजा मान सिंह ने इन्हें बनवाया था और इसके पीछे की स्पेशलिटी ये 5 मंजिल बड़ी इमारत है और मुकुटनुमा इसका शेप जो है वो मुकुटनुमा बनाया गया है। इसकी खिड़कियों की बात करते हैं तो 953 खिड़कियाँ टोटल है जिसे जरोखा कहा जाता है। और जो रानियाँ थी पर्दा प्रथा पहले चलती थी तो वो फॉलो करते हुए रानी जो होती थी वो यहाँ से ही नज़ारे शहर के गलियारे देखा करती थी, ये इसके पीछे माना जाता है। तो ये जितने इतने साल पुराना किसने बनवाया था ये मंदिर? श्री रामचंद्र जी ने बनवाया था। अच्छा। इस मंदिर का नाम श्री रामचंद्र ही है पर इसके अंदर विराजे हैं ठाकुर जी। अच्छा। तो इसका ये है कि इन्होंने बनवाया था पर इसमें ठाकुर जी की पूजा की जाती थी। अच्छा। क्यों? क्योंकि जो रानी थी चंद्रा जो रामचंद्र जो पीछे लग रहा है उनका पर्सनल मंदिर होता था। ये बिल्कुल समझ सकते हो सिटी पैलेस से नीचे यहाँ तक की सुरंग है। जी जी। उसके यहाँ से डायरेक्ट निकल के तो यहाँ पर सुरंग बनी हुई है। सब कुछ है, सब कुछ है। वो बिल्कुल देवस्थान तो पब्लिक के लिए खुला थोड़ी है वो। पब्लिक के लिए कुछ भी खुला नहीं है, पब्लिक के लिए सिर्फ ये खुला है मंदिर। हाँ, और जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए नीचे का पार्ट खुला है, बाकी आपके लिए वो सब कुछ नहीं है। और ये देख सकते हैं आप ऊपर की नक्काशी देख सकते हैं जी।